आज हम रिवीजन करेंगे इसका एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन होता है आपका द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और इसकी जो यूनिट होती है ये होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा आपका, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या टाइम इंटरवल भी लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हो गया हमारा डेल्टा वी, और टाइम टेकन मान लीजिए डेल्टा टी, या फिर हम इसे डिफरेंशियल फॉर्म में हम डी वी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब देखिए वी इक्वल टू क्या होता है आपका? डी एस अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम वी की वैल्यू रखें, तो डी अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा हमारा डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो ये भी आपका एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन। इसके बाद में है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? ज़ीरो। तो वाई एक्सिस के अलोंग हम ले लेते हैं वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं हम टाइम पीरियड, तो सॉरी टाइम। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? कि जो हमें वी टी ग्राफ मिलेगा वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हमें क्या एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका वी टी ग्राफ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यहाँ पे आपका अब हमें यहाँ पे वो निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी टाइम टी वन है यहाँ पर और ये टाइम टी टू, तो टी वन से टी टू में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ये कि ये आपका बाउंडेड रीजन हो जाएगा ये। तो हम इस बाउंडेड रीजन का क्या निकाल देंगे? एरिया। मान लेते हैं यहाँ हमारा है ए बी, और इसको सी मान लेते हैं, इधर हम डी मान लेते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फोर
यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इफ़ इफ़ द टाइम इज इंक्रीज, ठीक है, एंड वेलोसिटी आल्सो इंक्रीज, देन द मोशन इज़ नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो वी टी जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हमें क्या है मिलता है। तो इधर हमने टाइम मान लिया है एक्स एक्सिस के अलोंग, इधर आपका वेलोसिटी हमने मान लिया है। तो मान लेते हैं आपका अभी यहाँ पर टाइम टी वन है और यहाँ पर टाइम मान लेते हैं टी टू। तो टाइम टी वन पर वेलोसिटी हमने मान ली है वी वन और टाइम टी टू में वेलोसिटी जो हो जाती है ये वी टू हो जाती है। तो इसका जो एक्सेलेशन होगा ना, तो एक्सेलेशन क्या आ गया आपका, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन, टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, वी वन से वी टू हो रही है, यानी वी टू माइनस वी वन, टाइम टेकन टी टू माइनस टी वन हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन। ये तो हम वैसे निकालना चाहें तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं कि इसको हमने नाम दे दिया है, ये मान लो आपका ए है और ये ए और ये बी, इसको हम क्या एक स्लोप बना लेते हैं, यानी एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर बना लिया है। तो ये जो स्लोप होगा, ठीक है, यानी बी सी अपॉन ए सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन, यानी बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू, इसको हम बोल देते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ, ठीक है। और ये वैसे देखेंगे तो क्या हो गया आपका, बी सी अपॉन ए सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। यदि हम ये एंगल थीटा माने तो ये भी थीटा होगा, तो यानी हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो एक्सेलेशन ए इक्वल टू टेन थीटा या बी सी अपॉन ए सी, इस टाइप में हम क्या किसी भी ग्राफ से हम क्या एक्सेलेशन फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ फोर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी एक्सेलरेटेड मोशन तो है लेकिन इसमें क्या होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तो होता है कि सेम टाइम इंटरवल में आपका सेम वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसमें आपका अलग होगा कि सेम टाइम इंटरवल में हमारी जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो हमारा क्या है, अनइक्वल है। तो जो मोशन है आपकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोली जाएगी। तो जो हमारा वी टी जो ग्राफ है वो हमें क्या है, एक कर्व मिलता है। इस टाइप में क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा। मान लो ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे आपका टाइम है टी वन, इधर हमने एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लिया, इधर हम वेलोसिटी ले लेते हैं, और इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी वन। मान लो कुछ टाइम में आपका पार्टिकल या बॉडी आपकी बी पॉइंट पर पहुंच जाती है, वेलोसिटी मान लीजिए आपकी वी टू हो जाती है, और जो टाइम टेकन है ये हमारा कितना है, टी टू है। तो यहाँ पे भी हमने क्या एक स्लोप बना लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्लोप हो गया, ठीक है। तो स्लोप बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मान लो मैंने ये क्या एक टेंजेंट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी पॉइंट ए पे, ठीक है। तो ये एंगल हम क्या मान लेते हैं, थीटा, ठीक है ना, ये एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया है। एक मिनट, यहाँ से ये जो आपका स्ट्रेट लाइन यानी जो टेंजेंट है ना, इन दोनों पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ए और बी से। तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। दोबारा बना लीजिएगा यहाँ पर फिगर क्लियर। ये इस टाइप में कि जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होती है तो उसमें जो ग्राफ है वो हमें क्या है, कर्व हमें मिलता है।
तो यहाँ पे ए पॉइंट पे वेलोसिटी हमने वी वन मान ली है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी वी टू, टाइम टेकन हो जाएगा टी वन और यहाँ पर टाइम टेकन टी टू। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्सेलेशन फाइंड करना है। तो पॉइंट ए बी से हम क्या है पासेज एक लाइन हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये मान लो एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी थीटा होगा, तो इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप ही आपका क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका वही हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, यानी वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो इस टाइप में हम क्या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके, ये सही है आपका, इम्पोर्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें पहली कंडीशन है आपकी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो जब आपका एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहती है। तो यानी आपका टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। इधर हम टाइम ले लेते हैं, इधर वेलोसिटी है, तो यानी वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही, टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जो ग्राफ होगा वो हमारा टाइम एक्सिस के पैरेलल हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। तो ये हो जाएगा आपका जब जब आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, जीरो एक्सेलरेशन से क्या कर रही है, मूव कर रही है। सेकंड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, ठीक है। और इसमें कंडीशन भी दे रखी है, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। तो जो ग्राफ होगा वो हमें क्या, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, ये मान लेते हैं ग्राफ ओ ए, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम ले लिया है और इधर आपकी हो जाएगी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा जब आपकी क्या है, बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन से। नेक्स्ट ग्राफ है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। यानी आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो ग्राफ मिलेगा हमें वी टी, वो हमें क्या मिलेगा, एक कर्व हमें मिलता है, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा आपका, कर्व। नेक्स्ट है आपका, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हैविंग
सम इनिशियल वेलोसिटी। तो जो ग्राफ होगा वो हमारा वाई एक्सिस से कुछ ऊपर से आपका स्टार्ट होगा, ये ओ, ये मान लेते हैं टाइम, इधर हम मान लेते हैं वेलोसिटी। ये आपका हो जाएगा आपका ग्राफ जब आपकी ऑब्जेक्ट क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है और उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी उसके अंदर है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी यानी यू, पॉइंट सी पर वेलोसिटी फाइनल वी हो जाती है। मान लीजिए ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जैसे से हम क्या है टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही हो, तो उसके अंदर जो एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलेशन आपका क्या होगा नेगेटिव एक्सेलेशन बोला जाता है। जैसे कोई बाइक आपकी चल रही है और बाइक में हम क्या ब्रेक लगा दें तो ब्रेक लगाएंगे टाइम आपका इंक्रीज होगा और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या है डिक्रीज होती जाएगी। तो उस टाइम ब्रेक लगाने के बाद में जो बाइक के अंदर जो एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलेशन कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यही आपका नेक्स्ट है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी यानी इसमें जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पर रहेगा और धीरे धीरे आपकी वेलोसिटी क्या इंक्रीज होती जाएगी यानी टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होते हो इंक्रीज होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो आपका क्या रहेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform negative acceleration having positive initial velocity। positive इनिशियल वेलोसिटी ठीक है, तो लगभग वैसे ही पहले जैसा ही आपका पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ आपका इस टाइप का हो जाएगा वी, ये मान लेते हैं ए और ये बी ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट ग्राफ और रह गया आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन An object is moving with uniform negative acceleration having negative initial velocity यानी अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी आपकी नेगेटिव है ठीक है। इधर तो टाइम हो जाएगा, इधर आपकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में नेगेटिव है और टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होती है। ये तो ग्राफ वो आपका इस टाइप का हम मिल जाएगा ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या है नेगेटिव ही है ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ग्राफ ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद में आपके
रिलेशन शुरू हो जाएंगे, यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो वो कल देख लेंगे।